नमस्कार बच्चों, मैं प्रहलाद राय, जीनियस मॉडल स्कूल सुंदगढ़। आज अपने पढ़ेंगे 12th एग्रीकल्चर में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें भारत में जैविक खेती का क्या महत्व है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा कि मैंने आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बताया था, इसका डेफिनेशन क्या होता है, जैविक खेती किसे कहते हैं। जी प्लस अंश यानी जीवांश, जीवों के सहारे की जाने वाली खेती या मृदा के अंदर पाए जाने वाले जीव, जैसे बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव है मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण आते हैं जैसे राइजोबियम है, ये कल्चर। ठीक है, जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्प्रेडिंग करने में सहायक होता है। ठीक है, जिससे दलहनी फसलें होती है उनकी जड़ों में ग्रंथियां बन जाती है, छोटी छोटी ग्रंथियां बन जाती है, गांठ नुमा ग्रंथियां होती है, वो क्या करती है, वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्प्रेडिंग होती है। अब जैविक खेती का भारत में, हमारे भारत में यानी इसका क्या उपयोग है। भारत क्या है कि 60% की है उस वक्त जब हरित क्रांति का आगमन हुआ 1960 के लगभग 1960 और 70। ये क्या है, हरित क्रांति का आगमन का समय, हरित क्रांति जिसने बोने गेहूं पर यानी एक बोने गेहूं की किस्म का आविष्कार किया है। बोने गेहूं की इसके जनक कौन थे, नॉर्मन ई बोर्डो। नॉर्मन ई बोर्डो इसके कौन थे जनक, जिसने बोने गेहूं का आविष्कार किया। बोने गेहूं का आविष्कार करने के बाद हमारे भारत में क्या है, खाद्यान्न आपूर्ति की जो समस्या है उसका हल निकल गया। तो खाद्यान्न क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत परिस्थिति यही थी कि अकाल के समय यदि एक साल या दो साल लगातार कंटिन्यू अगर अकाल पड़ता है तो खाद्यान्न की आपूर्ति कैसे की जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो किस्म थी वो कम पानी यानी कम द्रव्यमान वाली किस्म थी, जहाँ नमी की मात्रा कम है या बरसात एक में बरसात हुई है तो वो क्या है, फसल आसानी से हो जाती है। जैसे ज़्यादातर अपने यहाँ क्या है, बरसात पर ही निर्भर फसल है यानी मानसून पर निर्भर है, ज़्यादातर फसल उत्पादन मानसून पर निर्भर है। और मानसून का स्तर जैसा कि अब जो चल रहा है जून से लेकर मध्य सितंबर तक, जून से लेकर मध्य सितंबर तक ये क्या है, मानसून का, जून से लेकर मध्य सितंबर तक जो है मानसून का काल होता है। और अपने राजस्थान में क्या, भारत में ही कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि क्या है, एक प्रकार का मानसून का जुआ है यानी वर्षा आधारित कृषि। तो राजस्थान में जो ज्यादा क्षेत्रफल है वो वर्षा आधारित कृषि का, समझ में आई बात। तो वर्षा आधारित जो क्षेत्रफल है, जैसे बात करते हैं हमें वर्षा आधारित क्षेत्रफल, 70% जो क्षेत्रफल है वो वर्षा पर आधारित है और इतनी ही पॉपुलेशन इसके आधारित है यानी 70% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और यही 70% जनसंख्या है, 70% खेती है वो वर्षा पर आधारित है। इस कारण हमारे जो भारत की कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाली चीज़ें हैं और अक्सर आती रहती है। मेंबर ऑफ द मानसून, मानसून का जुआ। अब राजस्थान में क्या है, राजस्थान में भी जो कृषि क्षेत्रफल है वो ज़्यादा मात्रा यानी अत्यधिक क्षेत्रफल जो है वो क्या है, वर्षा पर यानी बरसात पर ही आधारित है। ज़्यादातर जो खेती है वो वर्षा आधारित की है क्योंकि यहाँ पे नहरी क्षेत्र है, जो नहरी सिंचाई क्षेत्र है वो कम है। गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर ये तीन जिले, इनको छोड़कर बाकी पूरे राजस्थान में वर्षा
पर ही आधारित खेती की जाती है, यानी पुरानी क्षेत्र इसको बोलते हैं पुरानी क्षेत्र। या फिर जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ दो जिले से हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ हमारे राजस्थान के, जिसमें नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। पूरे राजस्थान की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले से हैं जिनमें नहरों से सिंचाई होती है सबसे ज़्यादा। बाकी इसके बहुत सारे स्रोत होते हैं, नहरों के अलावा कुएं हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, नदियों पे जो बांध बना के, ठीक है, उनपे बांध बना के खेती के लिए यानी फसलों के लिए पानी दिया जाता है। अब बात आती है जैविक खेती। अपने लोग ही चला था जैविक खेती का, तो जैविक खेती क्या है? जीवांश, यानी जीवांश खेती है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बनिक खादों का प्रयोग करते हैं। जैविक खेती, जैविक खेती जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जैविक खेती हमारे लिए क्यों आवश्यक है? इससे नंबर एक मृदा का स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य यानी भूमि का स्वास्थ्य, ठीक है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक, इन तीनों का, इन चारों का क्या है, समन्वय बना। अब केमिकल अपने क्या है, खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा केमिकल का उपयोग करते हैं। खाद ऐसी खाद होती है जो अपने उपजाऊ को दो गुना तीन गुना का चार गुना करने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं, ठीक है, और जिससे क्या है पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब फसलें उग जाने के बाद अपने क्या है, उसमें जो आम भाषा में बात करते हैं केमिकल पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है शाकनाशी पेस्टिसाइड, कीटनाशी पेस्टिसाइड। शाकनाशी कौन सा होता है, खरपतवार नष्ट करने के, क्योंकि खरपतवार अपने निराई गुड़ाई से कम और पेस्टिसाइड डाल के ज़्यादा करते हैं। जैसे एंट्राजिन है, ग्रुप ग्रीन है, इनका असर क्या है कि भूमि में 10 साल या 50 साल 20 साल तक बना रहता है, ठीक है। तो और पेस्टिसाइड डाल के क्या, इससे क्या होता है कि वो पर्यावरण प्रदूषण होता है, ठीक है, जल प्रदूषण होता है। और जो फसलें हैं, मान लिया गेहूँ में अपने 2,4-D का उपयोग करते हैं, गेहूँ में 2,4-D का उपयोग करते हैं, NCPA भी कॉमन आता है, NCPA, ये क्या है कि सबसे पहले 2,4-D और NCPA, ये दो जो खरपतवार थे 1943 प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका चलन था, ये चीजें चल रही थी, क्योंकि लोग खरपतवार निकालना होते और केमिकल पेस्टिसाइड छिड़के उनको खत्म करते थे। उनका असर ये कुछ तेज या ढाई करोड़ होता है, ये क्या है तेज अवस्था में था गेहूँ के दानों के अंदर पाया गया, जिससे क्या है कि जो माता थी उसके दूध से, दूध में भी ये दूध होगी इसका अंश पाया गया था। फिर इसमें रोक लगा दी, अब ये इतना हाई डोज में नहीं मिलता है। लेकिन जैविक खेती की ओर अग्रसर क्यों किया जाता है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का क्या है कि स्वास्थ्य है और तंगोदारी में संतुलन है बना रहे, मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पर्यावरण अच्छा रहेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा तो मानव का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है। पारिस्थिति, पारिस्थिति इन सब चीज़ों से जुड़कर पारिस्थिति होती है, ठीक है, समझ में आएगा। तो जैविक खेती हमारे भारत में सबसे पहले उड़ीसा में शुरू की, उड़ीसा है जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पे। इसके बाद क्या है कि सबसे पहले जैविक केंद्र स्थापित किया गया, जैविक केंद्र पहला जैविक केंद्र गाजियाबाद, गाजियाबाद वहाँ पे उत्तर प्रदेश, वहाँ पे जैविक खेती प्रारंभ की, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जिसमें वहाँ पे जो गेहूँ वगैरह होती है, ठीक है, दाल गेहूँ सब्जियाँ जो भी अपने खाद्य पदार्थ हैं जो भूमि से प्राप्त कर रहे हैं, उनमें क्या है किसी प्रकार का केमिकल न डालकर शुद्ध फसल बोल देते, जिसकी गुणवत्ता 100% शुद्ध, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं। सबसे पहला उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद। उसके बाद में अप्रैल 2002 में वाणिज्य मंत्रालय ने
जैविक खेती के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का आग्रह नहीं की गई है। हमारा कृषि विभाग का सबसे बड़ा ये यूनिवर्सिटी है, कृषि की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर न्यू कहीं पर था, ये पहले प्रयोगशाला थी जो बिहार में थी, इलेक्ट क्लास में आपको याद रखना चाहिए, नहीं की गई ये सामने के बिहार की गंडक नदी के किनारे थी, फिप्स प्रयोगशाला के नाम से थी। वहां पर बाढ़ आने के बाद ये प्रयोगशाला नष्ट हो गई, उसे क्षतिग्रस्त हो गई और फिर इसे नहीं दी, स्थानांतर किया गया और इसका नाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रखा गया, जिसमें क्या है कि अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं उन पर जोर दिया जाता है। कृषि विकास योजना है, राष्ट्रीय तिलहनी है, दलहनी है, दुग्ध उत्पादन है। ठीक है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन होता है वो खेती से जुड़ा होता है, खेती के साथ साथ क्या है कि अपने गाय भैंस पाल सकते हैं, तो दुग्ध उत्पादन भी इसके साथ साथ होता है। तो यदि अपने जो फसल उत्पादन करते हैं यदि वो शुद्ध है तो वो शुद्ध चारा ही पशुओं को खिलाया जाएगा, तो दूध भी क्या है उसकी मात्रा भी क्या है उसमें भी शुद्ध प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये जैविक खेती की कुछ सामान्य बातें थी। नेक्स्ट टॉपिक में अपने गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, मछली की खाद, ठीक है, हड्डी का चूरा, हड्डियों की खाद भी बनती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए